लखनऊ में तेल की बढ़ती कीमतों ने आम जनों की परेशानी बढ़ा दी है। जी हां, पेट्रोल पंपों पर भीड़ नदारद दिखी। लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। लोगों में इस बात की नाराजगी है कि गरीब वैसे ही मर रहा है, ऊपर से ये तेल की महंगाई की मार भी सामने आ रही है। एक तरफ कोरोना की वार वहीं पर, लगातार 16वें दिन जिस तरह से पेट्रोल में 26 पैसे और डीजल में 44 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, उससे कहीं ना कहीं से जो ग्राहक हैं उनके सामने एक परेशानी आ रही है। इस समय आप देख रहे हैं हम पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं, जहां पे लगातार ग्राहक पेट्रोल भराने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि इनकी संख्या में कह सकते हैं कि जो एक कमी आ रही है, लगातार इनके अंदर भी एक विरोध है कि लगातार जो डीजल और पेट्रोल के दामों में आखिर वृद्धि क्यों की जा रही है, जबकि अगर हम बात करते हैं कच्चे तेल की तो उसमें लगातार गिरावट आ रही है। यहाँ पर हमारे साथ पेट्रोल भराने आए ग्राहक मौजूद है। ये बताइए, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है, आप संतुष्ट हैं उससे? नहीं, बिल्कुल नहीं। संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि क्या ऐसा होना चाहिए? पेट्रोल तो बढ़ना नहीं चाहिए, वैसे रेट तो उसे इतना होना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा बढ़ गया इस बार। ऐसे आदमी, गरीब आदमी मर रहा है, उसके ऊपर और मार दे रहे हैं। लगातार इनका कहना यह है कि जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे दाम नहीं बढ़ने चाहिए, दामों में कमी की जानी चाहिए। यहाँ पे हमारे साथ एक ग्राहक और मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। सर, आप पेट्रोल भराने आए हैं, आपको पता है कि दाम बढ़ गए हैं? हाँ, साहब पता है, दाम पता है। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? सर, साहब क्या करें, जो रेट में माल मिल रहा है वो लेना ही पड़ेगा, गाड़ी चलाना है तो लेना तो पड़ेगा। आप संतुष्ट हैं सर? अब साहब संतुष्टि या असंतुष्टि क्या कहा जाए उसके लिए। इनका कहना यह है कि जो भी दाम मिलेगा हमको वो लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर हमारे साथ एक भैया और मौजूद हैं। लगातार 16वें दिन डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? अरे भैया, बहुत कंफ्यूज है। संतुष्ट होने 10 रुपये रेट बढ़ गए, ओवर बजट हो जा रहे हैं हम लोग। नौकरी पेशा वाले आदमी हैं, कहाँ से क्या भरपाई करेंगे, तो ये सब चीज़ें तो बहुत ही सरप्राइजिंग है। क्या लगता है आपको, इस पर कह सकते हैं ब्रेक लगनी चाहिए? भाई देखिए, जहाँ तक एक आम पब्लिक या जनरल, ब्रेक लगनी चाहिए, ब्रेक लगनी। तो लगातार आपने देखा कि जिस तरह से यहाँ पर ग्राहक पहुँच रहे हैं, साफ तौर पे उनका कहना यह है कि लगातार 16वें दिन से जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है वो अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। इसको सरकार पर रोक लगानी चाहिए, सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए, जिस तरह से दामों में वृद्धि हो रही है उस पर ब्रेक लगनी चाहिए, जिससे हम लोग अपने गाड़ियों को चला सकें। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, R9 TV, उत्तर प्रदेश।